व्याख्यान वेदी की शोभा को बढ़ाने वाले आदरणीय श्री जगदीश सेवर जी इस पवित्र पावन आर्य समाज के धर्माचार्य पद पर विराजमान है। आदरणीय पूज्य शास्त्री जी बड़े ही कुशलता पूर्वक मंच का संचालन कर रहे हैं। आदरणीय श्री डॉक्टर राजवीर आर्य जी, जहाँ तक मैं नाम नहीं भूल रही हूँ, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य आदरणीय प्रधान जी, जिनके माध्यम से मैं आप लोगों के मध्य में उपस्थित होती हूँ। आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी जन, मंत्री जी, प्रधान जी, कोषाध्यक्ष जी, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, सभी का हृदय की गहराई से सम्मान करती हूँ। और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, और इससे पहले भी आपने यूट्यूब के माध्यम से मुझे सुना होगा, अनेक विद्वानों को सुना होगा। मिशन आर्यवर्त वेदवाणी कल्याणीवाणी यूट्यूब चैनल पर उसके पीछे जिनका पुरुषार्थ रहता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ऋषिवर दयानंद और आर्य समाज को समर्पित किया है, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति मेरी अनन्या सहयोगी आदरणीय मुकेश आर्य जी, सम्मुख उपस्थित समस्त धर्म के अभिलाषी सज्जनों, बोधीवाली से भी आए हुए आदरणीय आर्य जी, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। गुरुकुल से आए हुए समस्त ब्रह्मचारीगण, सम्मुख उपस्थित समस्त धर्म के अभिलाषी सज्जनों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी संगति मेरे साथ में कर रही हैं ढोलक पर आदरणीय भ्राता जी। आइए, आपका ये मासिक सत्संग है, बहुत बार आपके इस पवित्र पावन आर्य समाज में मुझे आने का सौभाग्य मिला है। मेरे लिए तो एक परिवार की तरह से है ये आर्य समाज, जो भी आसपास आर्य समाजे हैं, इन्हीं आर्य समाजों में एक एक भजन गा करके, दो दो भजन का समय ले लेकर के मैं इस योग्य हुई हूँ कि आज लोग मुझे बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये आप सबका ही पुरुषार्थ है, आप सबका ही ये सहयोग है। तो मैं एक परिवार के अंदर यहाँ पर आई हूँ, इसलिए कोई औपचारिकता नहीं है। आइए, कुछ विचार बस आप लोगों के मध्य में मैं रखने का प्रयास करूंगी। परमपिता परमेश्वर ने सबसे उत्तम रचना, जिसे मनुष्य का शरीर कहा जाता है, उसको लेकर के हम सब यहाँ पर बैठे हैं। और यदि सबसे उत्तम रचना मनुष्य की हम हैं, तो मुझे लगता है इस उत्तम रचना से उत्तम कार्य भी होने चाहिए, तभी ये उत्तम शरीर पाना, तभी इस उत्तम रचना को जिसको हमने प्राप्त किया है, परमात्मा की रचना को, इसको पाना हमारा सार्थक होगा। क्योंकि यदि इस मनुष्य शरीर को पाकर के यदि हम अच्छे कार्य नहीं करते हैं और अच्छों को भी छोड़ दें, यदि हम ऐसे भी कार्य कर जाते हैं जो पशुओं से भी गिरे हुए होते हैं। मैं कल प्रेम भिक्षु जी की एक पुस्तक पढ़ रही थी, शुद्ध कृष्णायन, यहाँ पर भी साहित्य आया हुआ है, बहुत दूर से चल करके, हिसार से चल करके आए हैं, तो आप अवश्य वो पुस्तकें, वो साहित्य लेकर के जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर महीने में एक सत्संग होता है, कई जगह पर साल में वार्षिक उत्सव होता है, फिर पूरे साल हम विचारों से वंचित रहते हैं, तो जो स्वाध्याय हमें करना चाहिए वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, ताकि हम अपने पथ से भटके नहीं, ताकि हम अपने सत्य के मार्ग से डिगे नहीं। तो एक निवेदन मैं ये भी करना चाहूँ कि जो यहाँ पर साहित्य देने के लिए आए हुए हैं आदरणीय आर्य जी, आप उनसे पुस्तकें, कोई भी पुस्तक लेकर के अवश्य जाइए। तो वहां पर वो कह रहे थे कि मनुष्य यदि मनुष्यता के कार्य करता है तो उसे मनुष्य हम कह सकते हैं, लेकिन यदि वो अपने मनुष्यता से हटके कार्य करता है तो प्रेम भिक्षु जी कहते हैं उसे पशु कहना भी मैं पशु का अपमान समझता हूं, मैं अपमान समझता हूं उस मनुष्य को पशु कहना भी, क्योंकि पशुओं के लिए परमात्मा ने जो निर्धारित किया है, पशु उनसे एक कदम भी ना इधर जाते हैं और ना इधर जाते हैं। अच्छा, परमपिता परमेश्वर की इस व्यवस्था को आप देखें, परमात्मा ने मनुष्य के लिए कहा जीवेम शरदा शतम, कि तुम 100 वर्षों तक जियो, और यदि उससे अधिक भी जी सकते हो, यदि उसी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चलाओगे, जो व्यवस्था वेद के माध्यम से परमात्मा ने हमें दी। आप विचार करो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ,
इस दुनिया के अंदर पशुओं के हॉस्पिटल ज्यादा है या मनुष्यों के? मनुष्यों के ज्यादा है ना। वो पशु ना बोल सकते, ना बता सकते, कोई भी बात व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य को ये समझ है, मनुष्य को ये पता है क्या करना है क्या नहीं करना। वेद में दो ही तो चीजें हैं, विधि ये करना है और निषेध ये नहीं करना। और वेद उदाहरण भी देता है क्या करना है, कृषि कर, और क्या नहीं करना, अक्षयर्मा दिव्या जुआ मत खेल, वहां पर उदाहरण भी दिए। मनुष्य को पता है क्या खाना है जो तेरे लिए लाभकारी होगा और क्या नहीं खाना जो तेरे शरीर को हानि पहुंचाएगा। तुम्हें कौन से कार्य करने हैं जो समाज के लिए उत्तम होंगे, जो समाज को उत्थान की तरफ लेकर के जाएंगे, और कौन से कार्य हैं जो समाज को पतन की तरफ लेकर के जाएंगे। बीमारियां मनुष्य में सबसे ज्यादा, भ्रष्टाचार मनुष्य में सबसे ज्यादा, जितनी भी बुराइयां हैं ये सारी की सारी किसमें हैं, मनुष्य के अंदर है, मनुष्य के अंदर। और एक तरफ कह रहे हैं ये मनुष्य तो परमात्मा की सबसे अच्छी रचना है, फिर ये दोनों बातें चल कैसे सकती है? ये परमात्मा की सबसे अच्छी रचना नहीं है, ये परमात्मा की सबसे अच्छी रचना बन सकता है, ये मनुष्य सबसे अच्छा बन सकता है। और कैसे बन सकता है तो देखो, ना जाने कितना समय हो गया होगा हमें यज्ञ करते करते, हो गया ना। ये यज्ञ केवल इतना ही नहीं है कि उस यज्ञ के अंदर हम सामग्री डाल दें, उस यज्ञ के अंदर हम गाय का घृत डाल दें, उस यज्ञ के अंदर हम संविधाएं डाल दें और हम अहंकार से फूल करके कुप्पा हो जाएं कि हाँ हम तो बहुत बड़े याज्ञिक हैं, हमने तो यज्ञ कर लिया। नहीं, ये यज्ञ हमें क्या सिखाता है? ये यज्ञ हमें विनम्रता सिखाता है। ये यज्ञ हमें क्या सिखाता है? इदं न मम, ये मेरा नहीं है। ये यज्ञ हमें त्याग सिखाता है। लेकिन क्या आज जीवन के अंदर त्याग है? आज जीवन के अंदर त्याग नहीं है। एक समय था जब वैदिक मान्यताओं के अनुसार इस यज्ञ को केवल एक भौतिक क्रिया ना मान करके, आध्यात्मिकता को समझ करके अपने जीवन में अपनाते हुए चलते थे और कहते थे जो तेरा है वो तेरा है और जो मेरा है वो भी तेरा है, कहते थे ना। फिर समय बदला, फिर कहने लगे जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो तेरा है, तू अपने घर मैं अपने घर, यहां तक भी ठीक था। फिर हम थोड़े और पढ़े लिखे हुए, हम वेल एजुकेटेड हुए, जो आज वर्तमान का समय है, आज कहते हैं जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा है। इदं न मम की भावना हट करके क्या आ गई? इदं मम की भावना आ गई। जो लोग इदं न मम के भाव को लेकर के चलते थे तो अनपढ़ होते हुए भी जीवन के अंदर पाप करने से डरते थे। आज तो बहुत सारे साधन हैं आर्थिक तंगी को दूर करने के, धन कमाने के, लेकिन यहाँ पर मेरी कुछ माताएं बैठी हैं जिन्होंने वो समय देखा है कि पहले की माताएं घी बेच करके, दूध बेच करके अपने घर को चलाया करती थी, और दूसरी माता जी आकर के, उसकी सखी आकर के ये कह देती थी ना, बहन तेरे घर के अंदर तो पैसे की तंगी है, तू दूध बेचती है, इस दूध के अंदर थोड़ा पानी मिला लिया कर, दूध की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, लेने वाले लोग अधिक होंगे और तेरे पास में दो पैसे ज्यादा आ जाएंगे, अपने घर को बहुत अच्छे से चला पाएगी। अनपढ़ होती थी, क्या कहती थी? बहन पाप नहीं करूंगी, अधर्म नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पालने हैं, यही कहती थी ना, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पालने हैं, पाप नहीं करूंगी। एक वर्तमान का समय है, दूध वाले भैया आते हैं, पतीले में दूध डालते हैं और समझ में नहीं आता दूध में पानी है या पानी में दूध है। जब मैं कॉलेज जाया करती थी तो बीच में एक नहर आती है, आर्यनगर वाली, आपने देखा होगा, उस नहर पर एक हैंडपंप लगा हुआ था। और जब मैं ऑटो में देखती थी तो जो हमें दूध देने के लिए आते थे वो
भैया अपना पूरा ही ड्रम उस हैंडपंप के नीचे लगा देते थे और पानी चलाते ही रहते, पता ही नहीं उन्हें आइडिया कैसे आता था कि इसके अंदर कितना पानी और डालना है या जो मात्रा मुझे पूरी करनी है वो पूरी हो गई कि नहीं हो गई। तो उस भैया से जब हम ये कहते थे, भैया पैसे देते हैं, थोड़ा इसमें दूध भी डाल दिया करो, थोड़ा बैलेंस तो कर लिया करो, तो क्या कहते थे, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है बहन जी, ये पाप करना पड़ता है, ये अधर्म करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पालने हैं। वो अनपढ़ होते हुए कह रही है पाप नहीं करूंगी, अधर्म नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पालने हैं। और आज वाले कह रहे हैं पाप करना पड़ रहा है, अधर्म करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें हमारे बच्चे पालने हैं। वो चार चार पांच पांच बच्चों को पवित्र कमाई से बड़े कर देते थे, जीवन में सफल बना दिया करते थे। आज एक एक दो दो हैं और उन्हीं को पालने में माता पिता को पसीने आ जाते हैं। दुनिया भर के सारी बुराइयां, दुनिया भर के सारे पाप कर बैठते हैं, ये त्याग भाव समाप्त तो हो गया, अधर्म को ही धर्म का नाम दे दिया। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी, त्याग भाव से काम करेंगे जहां किसी में दम पाना, देख लिया संसार घूम के कोई किसी से काम पाना, देख लिया संसार घूम के कोई किसी से काम पाना, त्याग भाव
करें ये रहा किसी में दम कोना, और देख लिया संसार घूम के कोई किसी से कम कोना। बस दुनिया में होड़ लगी हुई है, मैं उससे ज्यादा बेईमानी करूं और मैं उससे ज्यादा बेईमानी करूं, इस चीज की होड़ लगी हुई है। इसलिए कहा जब तक जीवन के अंदर वो त्याग के भाव इस देश के अंदर रहे, वो त्याग के भाव केवल अपने लिए नहीं रहते थे, वो त्याग के भाव केवल उन्हें अपने परिवार के लिए नहीं होते थे, वो त्याग के भाव आदरणीय श्री श्री जगदीश सीवर जी ये 100 रुपए देकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आदरणीय आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये त्याग के भाव उनके प्राणी मात्र के लिए होते थे, समाज और देश के लिए होते थे, तो दुनिया के अंदर उदाहरण बन गए। उनका जीवन स्वार्थ के लिए नहीं होता था, उनका जीवन परमार्थ के लिए होता था। आदरणीय प्रधान जी भी राशि देकर के आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं उदाहरण देते हुए चलूंगी। जब जीवन के अंदर त्याग था, जब जीवन के अंदर समर्पण था, तो वातावरण कैसा था, और जब ये समर्पण चला गया तो वातावरण कैसा है, और फिर हमें निर्णय करना है, हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसा वातावरण चाहिए। आज उनको तो हम केवल सुनते हैं, हमारे मन में ये आता होगा क्या ऐसा भी कभी समय रहा होगा, हम तो मात्र कल्पना करके ही ऐसे हो जाते हैं, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। जब समर्पण रहा, त्याग रहा, तो वातावरण कैसा था। आइए रामायण की तरफ मैं आपको ले चलती हूं। महाराज दशरथ अपने मंत्रिमंडल के साथ में बैठे हैं और उन्होंने विचार विमर्श किया है कि क्यों ना मैं, ये राजा का पद है, जैसे परंपरा चली आ रही है, अब इसे अपने बेटे को देने का समय आ गया है, तो आप सबके क्या विचार हैं, क्या राय है। वो समय था जब इस देश का राजा विद्वानों से, सन्यासियों से पूछ करके कोई भी निर्णय लिया करता था, है ना। सन्यासी होता था तो यदि सड़क पर एक सन्यासी आ रहा है और सामने से यदि राजा की गाड़ी आ रही है या राजा का कोई रथ आ रहा होता था, तो राजा का रथ एक तरफ हो जाता था और सन्यासी को स्थान दे दिया जाता था। एक समय आज है कि मंच पर कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना बोल रहा हो, एक छोटा सा कोई भी आ जाए तो वहां पर सन्यासी को तुरंत, विद्वान को तुरंत चुप करा दिया जाता है कि रुको, हमारे अतिथि आए हैं। आज ये महत्व है, इसीलिए महर्षि मनु एक बात कहते हैं, जहां पर अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों का निरादर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, उस देश के अंदर अकाल, मृत्यु, भय, और वहां पर एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि लोग हाहाकार करने लग जाते हैं। तो आप वर्तमान परिस्थितियों को देख लीजिए, अपूज्यों की पूजा हो रही है और पूज्यों का अपमान हो रहा है। वहां पर राजा दशरथ विद्वानों से मंत्रणा कर रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर दूं, आप सबकी क्या राय है। सबने महाराज दशरथ की बात को कहा, बहुत उत्तम विचार आपके मन में आया है, हम सब सहमत हैं, आप किसे राजा बनाना चाहते हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा, भगवान राम अपने बेटे राम का नाम लेते हैं कि राम कैसे रहेंगे, तो सबने हाँ कर दी, बहुत योग्य है राम, राम को इस राजा के पद के लिए नियुक्त किया जाए, वही ज्येष्ठ पुत्र है। ये बात कह दी गई, पूरे अयोध्या को सजा दिया गया, लोग खुशी मना रहे हैं, दिन निर्धारित कर दिया गया, राम राजा बनेगा, अयोध्या के लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे मानो कोई त्योहार उनके घर में आ गया हो। ये बात सभी तक पहुंची, मंथरा ने देखा कि वहां पर पूरे के पूरे अयोध्या को ऐसे सजाया किस लिए गया है, पूछा तो कहा राम को राजा बनाने की घोषणा हुई है। मंथरा दौड़ी दौड़ी गई कैकेयी के पास में और कैकेयी से कहा, क्या तुम्हें इस बात का पता है कि दशरथ के बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाया जा रहा है।
कैकेयी ने तुरंत अपने गले का हार उतार करके मंथरा को दे दिया। अरे इतनी अच्छी खबर सुनाई तूने, मेरे बेटे राम को राजा बनाया जाएगा, इससे तो अच्छी बात ही क्या हो सकती है मंथरा। तू बता तुझे और क्या चाहिए उपहार में, जो तू कहेगी वो मैं तुझे दूंगी। जब ये बात कही तो मंथरा कहती है पागल हो गई है, भरत को राजा नहीं बनाया जा रहा, राम को बनाया जा रहा है। कैकेयी कहती है हाँ मैंने सुन लिया, राम को राजा बनाया जा रहा है। अरे वो राम तो मुझे अपनी माँ कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करता है, मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है मंथरा। लेकिन मंथरा ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वो कैकेयी जो अब तक राम की प्रशंसा कर रही थी, उपहार देने की बात कर रही थी, उस कैकेयी के दिमाग में भी ऐसा जहर उस मंथरा के विचारों ने भर दिया। ये होता है संगत का असर, कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत, कहते हैं ना। और ये जरूरी नहीं है कि वो मंथरा मर गई है, पहले तो वो एक ही मंथरा थी, आज तो घर घर के अंदर मंथरा है, घर घर के अंदर मंथरा है। तो इन मंथराओं से बचे। वहां पर मंथरा ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि कैकेयी के विचार बदल गए, और फिर खुद की बुद्धि काम नहीं करी तो ये कहा मंथरा अब तू ही बता कि मैं क्या करूं, एक दासी से पूछ रही है मंथरा, तू ही मुझे रास्ता बता मैं करूं क्या। तो मंथरा कहती है भूल गई, तूने अपने पति के प्राण बचाए थे देवासुर संग्राम के अंदर, और उस समय दशरथ ने तुम्हें 2 वर दिए थे, अब 2 वर लेने का समय आ गया है, बस मांग ले दोनों वर। कहा क्या मांगू दोनों वर में, बोले पहले में भरत के लिए राजगद्दी मांग ले और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग ले। कैकेयी ने कहा क्या राम को वन भेजना जरूरी है, इसकी जगह कुछ और भी तो मांग सकती हूँ। तो कैकेयी कहती है वो भरत नहीं मानेगा, यदि राम यही रहे तो वो भरत कभी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, वो कभी राजा नहीं बनेगा, इसलिए राम को तो दूर भेजना बहुत आवश्यक है, इसलिए राम के लिए तू 14 वर्ष का वनवास मांग ले। ये बात कही और कैकेयी चल पड़ी। मंथरा ने कहा इतने आभूषण पहन करके, इतनी सुंदर साड़ी पहन करके, रेशमी वस्त्र पहन करके तू महाराज दशरथ के पास जाएगी और वो तेरी बात मान लेंगे। तो कहा फिर क्या करूं, बोले उतार सारे जेवर और पहन कोई फटी पुरानी साड़ी और आंखों को रो रो करके लाल कर ले, बिल्कुल ऐसा वेश बना कि दशरथ भी मना ना कर पाए। जैसा मंथरा ने कहा कैकेयी वैसा करती चली गई। कोप भवन के अंदर पहुंची, कोप भवन के अंदर जब पहुंची, महाराज दशरथ पूछ रहे हैं कैकेयी कहाँ है, कहा कोप भवन की तरफ जाते हुए देखा है। महाराज दशरथ कोप भवन के अंदर गए, कैकेयी की उस स्थिति को देख करके कैकेयी से कहते हैं देवी क्या तुम्हारे शरीर में कोई रोग है तो मुझे बताओ, मैं किसी वैद्य को बुला करके लाऊं, यदि किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस एक बार नाम बता दो, बाण से उसका काम तमाम कर दूंगा, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी, बस मुझे एक बार नाम बता दो उस व्यक्ति का। वहां पर कैकेयी कहती है ना तो शरीर में कोई रोग है और ना ही किसी ने कुछ कहा है, तो बोले फिर ऐसी हालत क्यों है। कैकेयी कहती है क्या आपको वो 2 वर याद हैं जो आपने मुझे कभी दिए थे, जब मैंने आपके प्राण बचाए थे, बोले हाँ बिल्कुल याद है। कहती है बस वो 2 वर लेने का समय आ गया, मुझे मेरे वो 2 वर चाहिए। तो महाराज दशरथ कहते हैं बोलो देवी तुम्हें क्या चाहिए। कहती है पहले में मुझे भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। जब दूसरा वर मांगा तो दशरथ कहते हैं देवी राम को वनवास, क्या तुम्हें पता नहीं है उस राम में मेरे प्राण बसते हैं, यदि राम चला गया तो विधवा का जीवन जियोगी, मैं तो जीवित ही नहीं रह पाऊंगा उस राम के बिना, इस वर को मत मांग, इसके बदले चाहे तू कुछ भी मांग ले मैं वो सब तुम्हें देने को तैयार हूं। जब महाराज दशरथ ने कई बार कैकेयी से कहा तो कैकेयी कहती है आप अपनी प्रतिज्ञा भंग कर रहे हैं,
क्या आप अपने कुल को नहीं जानते, जिस कुल के अंदर कहा रघुकुली रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, अपने वचनों से मुकर रहे हो, जिस कुल के अंदर वचनों के लिए प्राण तक दे दिए गए। पंक्तियां लिखी थी बहुत सुंदर, महाराज दशरथ निवेदन कर रहे हैं कि जब से पैदा हुआ है कभी तो इसे ऋषि मुनि ले गए यज्ञ की रक्षा के लिए, कभी इसको कोई ले गया, इसने आज तक सुख से अपने जीवन को जिया नहीं है और अब फिर से उसके जीवन पर कष्ट आ पड़ा है। देवी कुछ तो करो इसके लिए, कुछ तो सोचो। एहसान तुम्हारा मानूंगा बस रानी, इतना काम करो राजा हो भरत दियावर में, पर वनवासी नाराम करो राजा हो भरत दियावर में, पर वनवासी नाराम करो I'm
ना ममता को बदनाम करो, एहसान तुम्हारा मानूंगा, बस रानी इतना काम करो। राजा हो भरत दियावर में पर कहते हैं आदरणीय श्री श्री राजवीर जी 100 रुपए देकर के मुझे सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात वहां पर कह रहे हैं कि तू मेरे से ये मत मांग कि राम वन को चले जाएं, इसके बदले तू मेरे से कुछ और मांग ले। लेकिन वहां पर कैके इस बात को मानती नहीं है, वहां पर उसके ऊपर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अंत में महाराज दशरथ को जो वचन दिए थे उनको निभाना पड़ता है और सुमंत्र को भेज करके वहाँ पर भगवान राम को बुलाया जाता है और भगवान राम के सामने ये बात रखी जाती है कि देखो मैंने 2 वर मांगे हैं, उसमें एक में तो भरत को राजगद्दी और दूसरे में तुम्हें 14 वर्ष के वनवास के लिए कहा है। तो भगवान राम ने एक बार भी ये नहीं कहा, ऐसे कैसे कह दिया? जहां पर राजा बनाने की घोषणा हुई है एकदम से मुझे वन जाने के लिए कैसे कह दिया? धन्यवाद माता जी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उस समय राम का चेहरा देखा जब राजा बनने की घोषणा हुई थी और उस समय राम का चेहरा देखा जब राजा नहीं वन जाने की घोषणा हुई थी, इन दोनों परिस्थितियों में भगवान राम के चेहरे में कोई अंतर नहीं था, ना राजा बनने की खुशी थी और ना वन जाने का गम था, ना वन जाने का दुख था। माता कैकेयी ने कहा और भगवान राम ने एक मिनट में ये कह दिया, माँ यदि मेरे पिता दशरथ कहे तो पर्वत की चोटी से नीचे कूद सकता है ये राम, यदि मेरे पिता दशरथ कहे तो हलाहल विष को पी सकता है ये राम, यदि मेरे पिता दशरथ कहे तो धधकती हुई अग्नि में कूद सकता है ये राम, 14 वर्ष का वनवास तो है ही क्या। पथिक जी ने पंक्तियां लिखी थी, आइए बस कुछ पंक्तियां कह करके वाणी को विरमित करूंगी। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, I'm not afraid of the dark.
वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे।